जाने की समझ में आए वहां बोल देना, रोक देना, आरती कर देंगे। तेरे से ना छिपे हालात ये हमारे, हालात ये हमारे, तेरे से ना छिपे हालात ये हमारे, हालात ये हमारे, तेरे से ना छिपे हालात ये
सब है बेसहारे, तेरे से नाच पे हालात ये हमारे, हालात ये हमारे, तेरे से नाच पे इतना कह दो तुमको अपना बना लिया, बस मुझको इतना कह दो तुमको अपना बना लिया, चिंता क्यों करता है तू सर पे तेरे हाथ मेरा, चिंता क्यों करता है तू सर पे तेरे हाथ मेरा, एहसान तेरा सदा ये रहेगा, एहसान तेरा सदा ये रहेगा, चरणों में हमको अपने बिठा लो, मुझे शाम अपने गले से लगा, मुझे शाम अपने गले से लगा। हाला
से ना छिपे सच्ची दरबार की हारे के सहारे की बहुत बड़े बहुत बड़े सरकार बड़े हम हाल से हुए बिहार बहुत बड़े सरकार बड़े हम हाल से हुए बिहार और के सहारे अब तो आकर ले समार के सहारे अब तो आकर ले समार Thank you.
जाए अब ये हाल, खेर करोना और सहाना जाए अब ये हाल, पार के सहारे अब तो आकर ले संभाल, पार के सहारे अब तो आकर ले संभाल। खाटू वाले बाबा तुमको आना होगा, भक्तों का काम बनाना होगा, खाटू वाले बाबा तुमको आना होगा, भक्तों का काम बनाना होगा। लखदातार तू है जाने जग सारा, खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना। अगर इस भजन की लाइन में लगे कि जो इसमें लिखा गया है उसमें आप बिल्कुल सही बैठते हो तो जरूर गाना। हमने अपने आप को श्याम प्रेमी का तगमा दे दिया, लेकिन सच्चाई बताऊं हम जितने भी बैठे हैं, मैं घमंड से कहता हूं कि कोई भी नहीं है इस तगमे के काबिल। श्याम प्रेमी आते हैं लेकिन नजर नहीं आते, वो बाबा के पास सीधा आते हैं और बस उनसे मिलकर निकल जाते हैं। जो वहां की मिट्टी में और जो वहां की आबो हवा के अंदर में घुस गया वो श्याम प्रेमी नहीं हो सकता। मैं उसमें सबसे पहला नंबर मैं मेरा बोल रहा हूँ, आप अदरवाइज में क्योंकि जो सुना है और जो भजनों के माध्यम से हम तुम्हारे
कभी न बन पाए शाम हम तुम्हारे, कभी न बन पाए लेकिन पर मैं जा भी घिरा तूफानों में, पर मैं जा भी घिरा तूफानों में, थमने हम को शाम तुम आए, थमने हम को शाम तुम आए, हम तुम्हारे कभी न बन पाए शाम तुम्हारे। ना हो काबिल
समझ नहीं पाए, आज तक हम समझ नहीं पाए, हम तुम्हारे कभी न बन पाए, श्याम हम तुम्हारे के लिए थोड़े से अलग हटके हो या मन ये करता हो कि क्यों गाए। एक मिनट थोड़ा ऑर्गन कम कर दो। श्याम श्याम क्या कहता है? श्याम कहता है तेरी नाव की चिंता तू मत करना, तेरी नाव तो मैं ही चलाऊंगा, और अगर तू कोशिश करेगा चलाने की तो किनारे पे ही डुबो दूंगा। ये बात है, कॉल है बाबा का, या तो मुझे बोल मत कि मैं तेरा हूं, और अगर मुझे बोलता है ना तो चुप कुछ कुछ मत कर, लेकिन तेरी नाव खुद चलाने की कोशिश मत करना, डुबो दूंगा किनारे पे, डुबो दूंगा दुनिया की मलधार में डूबती तेरी किनारे पे डुबो दूंगा। हाँ नाव चलाने का शौक है ना, तो कोई भी मिल जाए ना
जिसके डूब रही हो उसको लगा देना हाथ, तेरा ये जन्म जन्म नहीं, हर जन्म तेरी नाव उतारूंगा मैं, हर जन्म तेरी नाव चलाने के लिए। आज के समय में बाबा 56 भोग लगाने से खुश हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, किसी जगह नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो कर्माबाई की तरफ तो देखता भी नहीं, जिसके चावल आधे कच्चे थे आधे कच्चे थे और उसका बाप जीवन भर भोग लगाता रहा था लेकिन कभी नहीं भोग लगाया क्योंकि उसका बाप फॉर्मेलिटी करता था, बाबा बाबो बाबो मारो गाँव में। वो तो ठीक है, जैसे हम लोग करते ना अपने घरों में फॉर्मेलिटी, ठाकुर जी के सामने थाली रखी और 2 मिनट में घंटी लाई, 2 सेकंड में घंटी लाई, एक घराड़ा के सामने थाली रख कर तुरंत थाली लाई। आज भी गारंटी है, जितनी भी बैठे हो ना आज भी गारंटी है, 10 मिनट थाली रखो और एक भजन उसको सुनाओ, विश्वास के साथ भोग लगाएगा, उस थाली में भोग लगाएगा बाबा। बाबा ये कहता है तू मुझे कुछ मत लगा, तू मेरे पास मुकदमे लेकर आया था, इसका मुकदमा कि बाबा इसका काम करा, इसका मुकदमा बाबा इसका काम, तू मुकदमे लाया कर बस तेरी विजय कराता रहूंगा। अरदास कीर्तन का मकसद सिर्फ यही है कि अर्जी लगे काम बने बस। और इस दरबार में मैं तो किस्मत कसम खाता हूं भाई, दुनिया उंगली उठाती है पर मुझे कोई फर्क नहीं, मैं कसम इसलिए खाता हूं कि बिना किसी इंडस्ट्री के, बिना कोई सिंगल दुकान के, मेरे बाप दादा की कोई दुकान नहीं थी, कोई काम नहीं था, बिना किसी इंडस्ट्री बिना किसी दुकान के दिल्ली पहुंचा दिया। आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जैसे शान करते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पर क्या कृपा के बारे में बताएं, आप लोग सब बैठे कोई ना कोई चमत्कार आप सबने देखा होगा, तो हम तो यही कहते हैं ना कि बाबा का नाम लो तेरा काम बनेगा, कसम खाकर कहता हूँ बाबा का नाम लो तेरा काम बनेगा, मैं तो बोलता हूँ कसम खाकर बाबा का नाम लो तेरा काम बनेगा, नहीं बने तो मेरी कॉलर खींच लेना मार देना चार पांच तमाचे, ये और कहता हूँ, ये और कहता हूँ कि मेरी कॉलर खींच लेना किसी कीर्तन में तमाचा मार देना, शायद ये सोचकर पहले काम बना दे मेरा भजन गाने वाला, इसको तमाचे नहीं पड़े इसका काम बना दे। इसलिए आपके परिवार में अगर कोई दुखी है ना, आपके जान पहचान में कोई दुखी हो, अरदास कीर्तन में उसकी अरदास लगा दो, मेरा बाबा हमेशा आपकी तरफ देखता रहेगा। हार गया हूँ बाबा, हार गया हूँ बाबा, अब तो आके थाम ले सुन सांवरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे, सुन सांवरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे। हार गया हूँ बाबा, हार गया हूँ बाबा, अब तो आके थाम ले सुन सांवरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे, सुन सांवरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे। हार गया मैं श्याम, हाथ मेरा तू थाम, हार गया मैं श्याम, हाथ मेरा तू थाम, I'm not afraid to die।
दर्दी के सुने बाबा दर्द मिटाए, दर्दी के सुने बाबा दर्द मिटाए, दर्दी के सुने बाबा दर्द मिटाए, दर्दी के सुने बाबा दर्द मिटाए। दुखड़े गिनाओ कितने जाए ना गिनाए, दुखड़े गिनाओ कितने जाए ना गिनाए। मैंने सुना है दर पे, मैंने सुना है दर पे बनते बिगड़े काम रे सुन सावरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे सावरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे। तू कर दे मेहरबान या, आजा आजा तू कर दे मेहरबान या, बोली ले घोड़े की तू कर दे सवारिया, नीले घोड़े की तू कर दे सवारिया, आजा आजा तू कर दे मेहरबान या, काहे करे तू ऐसे आँख में चोरी, काहे करे तू ऐसे आँख में चोरी, हालत पे दुनिया वाले करते हैं ठिठोली, हालत पे दुनिया वाले करते हैं ठिठोली, काहे करे तू ऐसे आँख में चोरी। ले लो शरण में ले लो शरण में अपनी, ले लो शरण में अपनी, आया तेरे धाम रे सुन सावरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे सुन सावरे, हारे का सहारा तेरा नाम रे। हार गया मैं शाम हाथ मेरा तू था, हार गया मैं शाम हाथ मेरा तू था। शाम से पहले शाम ही आई, दो शाम
काली श्याम जो अंधेरा लाती है, एक वो सावन श्याम जो सवेरा लाता है। शाम से पहले शाम ही दातार की, शीश के दाने की।
सर सीधी था भी नदी ना नात आंगली कुण तो पकड़ सीधी था भी नदी ना नात आंगली कुण तो पकड़ सीधी आया सर सीधी शाम तन आया सर सीधी शाम तन आया सर सीधी था भी नदी ना Thank you.
सेठ सावरा थासु कोन्या छानी थासु कोन्या छानी मारी हालत सेठ सावरा थासु कोन्या छानी थासु कोन्या छानी एक बार थे फलक उघाड़ो देखो मारे कानी देखो मारे कानी एक बार थे फलक उघाड़ो देखो बाबा जी बिगड़ी श्याम सुधर सी जी हाबिन दीना नाथ आंगली सुन तो पकड़ सी जी हमने सहारा तेरा लिया और हमने सहारा तेरा लिया हमने सहारा तेरा लिया सरज सुनो मेरे सांवरिया हमने सहारा तेरा लिया सरज सुनो मेरे क्या यूं ही हमें तरसाओगे यूं ही हमें तरसाओगे अब कब हमें तरस दिखाओगे बाबा कब हमें तरस दिखाओगे सोच सोच के मारे तो डर लागे माने तो डर लागे इनके होशी सोच सोच के माने तो डर लागे माने तो डर लागे हर्ष मारे आगे तो रस्तो हर्ष मारे आगे तो रस्तो श्याम ही कर सी जी बाबा जी मारो श्याम ही कर सी जी हाबिन दीना नाथ आंगली तुम तो पकड़ सी जी सावरा हाबिन दीना नाथ आंगली तुम तो पकड़ सी जी मार पीड़े हरो घन श्याम आज मार पीड़े हरो घन श्याम आज घन आया सरसी जी बाबा जी घन आया सरसी जी हाबिन दीना नाथ आंगली तुम तो पकड़ सी जी सावरा हाबिन दीना नाथ आंगली कुन तो पकड़ सी श्री श्याम आजा मेरे घर
तेरो नाम रटता सुबह और शाम, तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम रटता सुबह और शाम। बोले सच्चे दरबार। एक बात बताऊंगा ना, सुनो, हमने वो जमाना देखा है, हमने वो कीर्तन देखा है जहाँ पर भजन खत्म होते ही संसंग दूसरा चालू हो जाता है। कोई फॉर्मेलिटी, कोई काम धाम नहीं, आगे से कभी भी कीर्तन कराना, सुनो इधर देखो, कभी भी कीर्तन कराना है, तीमारदारी में मत रहना। इनको टेलीफोन करना कि मेरे घर बाबा आ रहे हैं, आपको आना हो तो आ जाना, बाबा से मिलना, ये बोलना कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजे पर नहीं खड़ा रहूंगा, मैं बाबा के चरणों में रहूंगा, मेरा मालिक होगा, मेरे घर आ रहे हैं आप भी आना, और आपके चरणों में बैठना, आपके घर भी आएगा। सच्चा दरबार है, सच्चा, बिल्कुल सच्चा लगा हुआ दरबार। हम ही लोगों ने कीर्तन को डाइवर्ट किया है, बाबा आने के बाद कुछ है थोड़ी, बाबा जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहता, किसी संध्या फंदे को, किसी को कोई महत्व मत दो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा है। जिसको बाबा के आगे नाक रगड़ना रगड़ेगा, जिसको बाबा के आगे सुनाना सुनाएगा, और जो मुंह फुला के जाएगा जाएगा। ये भजन आज के समय के लिए बड़े बड़े हिल गए, बड़े बड़े ठंडे खा, सबको ये सोच रहे थे कि कल मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा, सब यही सोच रहे थे कल मेरा नंबर तो नहीं आएगा, जरा सी एक खांसी आई बस। और आपको पता नहीं है शायद, आपको पता नहीं है शायद, जब मंदिर खुला होगा ना, और तब बाबा का चेहरा, जब पहला चेहरा जिसने देखा होगा, उससे पूछना कि उसने क्या देखा बाबा के दरबार। कितनों को जीवन दान, अभय दान दिया है, सवा सवा रुपये पर इस पूरे में, कितनों को दिया है, बिल्कुल बिल्कुल साचा देव है, बिल्कुल बिल्कुल मजाक करने वाला देव नहीं है, बिल्कुल सिंपल लेकिन वेरी हार्ड, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कठिन है। कोई सोचे कि हम इसको जज कर लेंगे तो उसको ऐसा जजमेंट देता है, उसको ऐसी जगह ले अगर पटकता कि कोई नजर ही नहीं आता उसको। इसके दरबार में तो बस सर झुका कर, महाराज हम नलायक, और आप सब पूछो, बस पुकार लगी, कई पुकार लगी, पर जब जब किसी ने संघर्ष में तकलीफ में इस भजन को पुकारा, इस भजन को सुनाया प्रभु को, मुझे लगा कि हाँ उसकी सुनवाई हो गई है, इसलिए आई। बाबा से कहा, समय बहुत कठिन है बाबा, सिर्फ और सिर्फ आई आप ही पार कर सकते हैं जी। इब तो आजा करके श्याम मेरे श्याम, इब तो आजा करके बाबा लील सवारी रे, तेरे होता कैया बिकदा
Yeah.
दास क्यों दूरे सहे सामने इतना तो कहे बसमीर पवे है हिवड़ कल कल रोवे रे हिवड़ कल कल रोवे रे देखत साया मारे पापा फूल कैया सोवे रे देखत साया मारे पापा फूल कैया सोवे रे तने तरस ना आवे मारी तेरी मोर छड़ी को जादू इब तो श्याम दिखा दे रे बोलिए मोर छड़ी धारी की तेरी मोर छड़ी को जादू इब तो श्याम दिखा दे रे तेरी मोर छड़ी को जादू इब तो श्याम दिखा दे रे लिपदा मेरी भेदन खातिर पान ही एक चला मेरी भेदन खातिर पानी एक चला दे दुनिया भी देखे निर्मल की श्याम दुनिया भी देखे निर्मल की दुनिया भी देखे निर्मल की श्याम से यारी रे बाबा जी मान श्याम से यारी रे जय होता कैया विपदा कड़के धारी कैया विपदा पड़गी भारी सिर आजा मेरे तेरो ना रटता सुबह बोल हारे गए समय बता रहे एक और पुकार मामा से कभी लो खबर हमारी कभी हाल पूछ जाओ
मेरे श्याम आ जाओ, घन श्याम आ जाओ। बोलो बोलो बोलो। कभी लो खबर हमारी, कभी हाल कुछ जानो, मेरे श्याम आ जाओ, घन श्याम Thank you.
सावरे मेरी कलाई थाम लो एक बल, सावरे मेरी कलाई थाम लो एक बल, गिर पड़ू ना मैं अकेला ओ मेरे प्रभु अल, गिर पड़ू ना मैं अकेला ओ मेरे प्रभु अल, राधे श्याम 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 राधे श्याम। किस्मत को है मनाते
अभी तुमको है मनाते, अभी तुमको है मनाते, एक दिन तो आएगा तू खुद को है ये बताते, एक दिन तो आएगा तू खुद को है ये बताते मेरे श्याम। किस्मत भले किस्मत को है मनाते, कभी तुमको है मनाते। जब मूर्ख थे तब किस्मत के भरोसे भटक रहे थे, किस्मत को है मनाते कभी तुमको है मनाते, एक दिन तो आएगा तू खुद को है ये मेरे श्याम। देखो किस्मत का नाम सिर्फ वंश है, वंश वंश चले जाए कब कब। हाँ, जब आपको शाम का दरवाजा देखा तो किस्मत नहीं, आपका कुल देवी देवता था, माँ बाप बोलते थे बाबू है बाबू है, नहीं उस समय ठीक है अपनी मस्ती के अंदर में रहते थे, लेकिन जिस दिन इसकी तरफ लगन लगी वो पहला क्षण किस्मत का था। बस उसके बाद अगर किस्मत के भरोसे रहोगे तो शाम नहीं आएगा, होगा वो जो पिछले जन्म में करके आए थे और उसके कारण किस्मत लिखी और किस्मत अपना खेल खेलेगी। किस्मत भले न माने निर्मल तुम मान जाओ मेरे श्याम आ जाओ, घनश्याम आ जाओ, कभी लो खबर हमारी कभी हाल जाओ मेरे श्याम आ जाओ, घनश्याम आ जाओ। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। साथी चला गया, भद्रा जी बैठे गए।
कभी देखा है सर? जाने की कोशिश तो इन्होंने भी की, जाने की कोशिश की थी। अच्छा मैंने इसीलिए गई थी, मैंने कहा देखो अनिल अकेला आएगा, अकेला जाएगा, तुम कौन के साथ आना, इसलिए मैंने मेरा कहना नहीं माना। उनको शादी पे जाना था जरूरी, ये जान सकते हैं सिटी ठीक है। हम भी तरसते थे कि कभी तो बत्रा जी हमें भी सुनने आ जाए, एक ही के पीछे लगे रहते थे। लेकिन तुम भी गुरु कमाल के आए थे, दिल्ली में कोई नहीं टिकता ऐसे, दिल्ली में सबको थोड़ी एंट्री है। नहीं इतने एंटी ना करो, एक ही एंटी ना पकड़ो, पता है खबर छप जाएगी शाम को, आपको हंसा दिए ताकि जो भजन ये गा रहा हूं मेरी अंतरात्मा का एक आवाज एक पुकार, मुझे जो जिस भजन को गाकर, हालांकि ये मेरा जॉनर नहीं था, बहुत कठिन था ये भजन, ये राग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इस भजन के शब्द ऐसे थे कि वो अंतर अंदर तक धंसते चले गए। और अगर आप भी महसूस करो कि बाबा कैसे मिलता है, हम थोड़ी थोड़ी परेशानियों के अंदर में, थोड़ी थोड़ी परेशानियों में हम घबरा जाते हैं, तकलीफ के अंदर में श्याम हमेशा हमारे बगल में होता है, सबसे बड़ी खासियत है। तकलीफ के अंदर में जिस दिन हमने तकलीफ में कहा ना, अच्छा एक बात बताओ ना, आज मान लो हमारे पास रात को रोटी खाने को नहीं है, और अगर हम हाय हाय करेंगे तो रोटी आ जाएगी, इससे शिकायत करेंगे तो क्या आ जाएगी। सच्चाई बताऊं प्रेमियों के बाद, इसके सामने एक गिलास पानी रख दे बाबा, आज आज मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए कुछ था नहीं, मैंने भी पानी, मैं भी पानी पीऊंगा, आप भी इसका भोग लगाओ, कल मेरे पास होगा ना तो पहले आधी आपको खिलाऊंगा उसके बाद मैं खाऊंगा। अरे कलीला इसका फटना चाहिए, शर्म इसको आनी चाहिए, कुछ नहीं है फिर भी शिकायत नहीं कर रहा, बगल में खड़ा है, शिकायत नहीं कर रहे, फील करो कि आपका कोई कोई बहुत क्लोजेस्ट है, एक सवाल पूछूंगा, आपका बहुत क्लोजेस्ट है, आप दिल्ली हो वो बंबई है या वो कलकत्ता है, अरे इतना क्लोजेस्ट की इतने हजार किलोमीटर की दूरी में भी दोनों के दिल में एक ही धड़कन है, मान लो इतना क्लोज है तो, और कोई बहुत बड़ा फंक्शन आपके घर में हुआ और आप अपने सबसे क्लोजेस्ट आदमी को कॉल करना भूल गए, लेकिन जिस दिन फंक्शन था वो क्लोजेस्ट आपका अपना था, उठ कर चला आया, आपके मन में शिकन आई गई बिना बुलाए आ गया कि आपका कलेजा फट जाएगा, कि मुझ नालायक को मेरा अपना जिगर का टुकड़ा याद नहीं आया, लेकिन इसने मेरा रिश्ता निभा दिया, ये मेरे रिश्ते निभाने के लिए, मैं समझता हूँ उस समय आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आप उसको लपट कर और सारे काम छोड़कर आप आंसू के सलाम में डूब जाओगे। तो भाई जिस दिन ये भाव कि बाबा जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाएंगे ना, उस दिन बाबा को शर्म आएगी, किस्मत में रोटी नहीं भी होगी ना, भेजेगा कहीं ना कहीं से भेजेगा, इसलिए आइए तकलीफ क्या कहा, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतने पास आ गया, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतने पास आ गया, डूब कर भाव में मैं जहाँ
जीवन अपना तू सफल बना ले। श्याम से जोड़ो नाता तुम श्याम से जोड़ो मुश्किलों को पल में हर लेगा हो। चिंता तुम श्याम पर छोड़ो चिंता तुम श्याम पर छोड़ो जिंदगी को सुखमय कर देगा हो। नाता तुम श्याम से जोड़ो अब अधिकार की बात करें, है ना, अधिकार से बाबा को क्या कहेंगे, बस आखिर में ठीक है। नहीं देखिए, 10:30 बज रहा है, समापन। ये तो ये तृष्णा, ये भूख नहीं मिटनी चाहिए, हाँ ये भूख मिटनी नहीं चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। हाँ मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आपके यहाँ पर कोई गरीब हो, कोई आपके नौकरानी भी हो, नौकर भी हो, मेड हो, उसके यहाँ पर अगर कीर्तन करना हो तो बोलना, कोई शुल्क नहीं है, उस कीर्तन का कोई शुल्क नहीं, श्रृंगार से लेकर
साज बाज माइक और हमारा कोई सुख नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। आप अपने मेड को बोलो ना कि श्याम बाबा का नाम ले, हो सकता है कि इस पर कृपा कर दे, आपका काम बंद कर दे। अब नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे चुपता था, मुझे चुपता था। इतना लेते इतना लेते, अरे किसी की औकात है यार, किसकी औकात का कोई ले सकता है, किसकी औकात का कोई दे सकता है। मुझे कोई भी एक सेठ ऐसा बताओ ना जो लेने वाले को, हम लोगों को तो उंगली उठाता ना, ये दो मांगते हैं चार मांगते हैं। मैं बोलूँ आप गारंटी लो, कोई भी बैठे हो यहाँ पर गारंटी लो, आप एक प्रोडक्ट, आपने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया, उसकी कॉस्ट आपने 1000 रखी, आपने 1000 प्रोडक्ट अपने दुकान में लाए, आपका प्रोडक्ट आपने 1000 रुपये रखा, लाइन लगाकर पहले दिन 1000 बिके, आप दूसरे दिन ले गए आपने 1200 लगा दिए, 1200 में 2000 बिक गया, तीसरे दिन आपने 1500 कर दिए, लाइन से दिख रहा है। आप बोलोगे मैं 1000 में ही बेचूंगा, मैं कसम से कहता हूँ मैं 100 रुपये में जाऊँगा रोज। और सेठ जिस दिन ये नहीं रहेगा ना, मुझे कोई 10 रुपये भी नहीं देगा, नहीं देगा, चुपता था। और आपको बताऊ, आपको बताऊ, महाराज है 10 साल की तपस्या को गंगा में फेंका था, 10 साल की तपस्या। पहले कोई बोलता था ना पैसे लेगा, उस समय की बात, जब सुबह को खाया तो शाम को ठिकाना नहीं था, 10 साल में चढ़ गया। उस समय कोई बोलता था ना पैसे लेगा तो मन करता था सिर फोड़ दो, लेकिन क्या करेगा, अब कीर्तन करने की आदत, गाने की आदत लग गई, शौक लग गया, काम में मन नहीं करता था। जहां मुझे, मैं टाटा नगर सप्लाई करता था, हफ्ते में 1-2 बार जाता था, कीर्तनों में जाने लगा 15 दिन में 1 बार, फिर महीने में 1 बार हो गया, 6 महीने में, साल में 1-1 बार हो गया, काम धंधा रोटी मिलनी बंद हो गई, तब द्वंद लगा, घर में क्लेश हो गया, फिर तुमने जाएगा खिलाएगा क्या, इतना क्लेश हुआ। गंगा जी ने पूरी 10 साल की तपस्या, फिर मैं कहता हूँ 10 साल की तपस्या को फेंक दिया गंगा जी, आज से कीर्तन नहीं करता, कई कीर्तन हैदराबाद वगैरह सब जगह कैंसिल कर दिए। लेकिन उस दिन बिस्तर पकड़ा, 20 दिन तक से बिस्तर से नहीं उठा, सब रिपोर्ट में आया, फिर मेरे घर वालों ने बोला बेटा जो करना चाहे कीर्तन छोड़ दे, बोला कि हाँ अब पैसा नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे दुखी। मुझे तो कोई ऐसा सेठ नहीं दिखा कि जिसको 2000 की कोई गड्डी दे, बोले नहीं भाई साहब मैं तो 500 में खुश हूँ, बोले ना कोई ऐसा सेठ, मुझे तकलीफ होती थी। लेकिन बताओ मैंने ये प्रयास आज नहीं है, सुनो शर्मा जी ये प्रयास आज नहीं किया, 15 साल पहले भी प्रयास किया था, बत्रा जी गवाह इस बात के, पूछ लेना बत्रा जी से, अगर बोलो बत्रा जी आप सही बोलो, और बत्रा जी ने तस्वीर बनाकर दी बाबा की, यही बोला था बत्रा जी, अगर कोई भी ऐसा हो जिसको जो कीर्तन नहीं करा सकता उसका तस्वीर बनी, वो बाबा की तस्वीर इन्होंने बनाकर दी, दरबार लगा। लेकिन जिस किसी के भी दरबार लगाने गए ये सोच करके भैया कोई ताम झाम नहीं होगा, सबके नीचे 8-8, 10-10 गाड़ियां, रिश्तेदार आएंगे आज बाबा की अभी यात्रा पे हम लोग थे, हम लोग एक दिन यात्रा में ऐसा रात को गुजारना पड़ा
कोई जगह नहीं मिली छुपाने के लिए सर। हाईवे के ऊपर में पतरी बिछा कर हमें खाना खाना पड़ा बिना लाइट के। सुबह चाय का जुगाड़ नहीं था हमारे पास, सुबह 7 बजे निकलना यात्रा में, 5 बजे और ठंड 15 फरवरी कड़ाके की ठंड बदायूं के पास यूपी में बदायूं, 5 बजे घंटी बजे 5-6 लड़के टूटते हुए आए हाथ में घंटे चाय चाय। हम नहीं जानते, सबसे पहले चाय पिलाए हम लोग। अरे भाई आए कहाँ से? बोले हम लोग नागपुर से आए हैं यात्रा अटेंड करने के लिए 2 दिन की और उसके बाद खाटू जाए। उन्होंने चाय पिलाई, उसमें पान वाला था दादा, सुनो उसमें पान वाला था, पान बेचता ना आपको। उन्होंने मैं बाबा कीर्तन कराना चाहूँ, कीर्तन नहीं होता है गरीब होता है, हम लोग बातें जा कीर्तन करेंगे। लेकिन 19 में सारे कमिटमेंट थे यात्रा के बाद, 20 में लौटना होगा। अभी 25 तारीख को उस पान वाले की गली में कीर्तन करने गए, सारे पान इतने इतने गड्ढे ठीक है, और वहाँ पर कीर्तन किया। वहाँ पर एक जोड़ा आया, उसने बोला बस 17 साल से औलाद नहीं थी, 17 ईयर्स से वो गरीब लोग वहाँ पे, कोई जानकार नहीं था बाबा का, पता नहीं कैसे उन लोग को बाबा के बारे में पता चला, और 17 साल से औलाद नहीं थी। और वहाँ से खाटू गए और पुजारी जी महाराज को बोला, पुजारी जी महाराज ने कुछ दिया, बोला हमने तो कहा था बाबा लड़की दे दे चाहे लड़का दे दे, और इतना ही कहता बांझ कह के ताना मारते थे, चाहे पांच इस पांच नाम से छुटकारा दिलाते, चाहे मरा हुआ दे दे जैसा भी कर दे। बोले हमने एक मांगा ट्विंस दिया हुआ मैंने ना हुआ 17 साल। सच्चाई बताऊं अब लगता है कि हाँ सही बाबा ने खूब कृपा करी। और आपके अगर दिल्ली में कोई भी ऐसा हो, किसी भी कोई भी ऐसा हो, शाम के लिए कोई खर्चा नहीं, 0/0 खर्चा है, उसका कीर्तन करेंगे, चाहे उसका 50 स्क्वायर फुट की जगह हो, और कीर्तन हम लोग सब मिलकर दिल से करेंगे कीर्तन। और मेरा विश्वास है कि काम बनेगा, बोल साची करवाई। तुम्हें श्याम अपना बना के रहे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहे, तू रूठा है फिर भी, तू रूठा है फिर भी मना के रहे, तुम्हें श्याम अपना बना के रहे, नाम बना के रहे, रूठा है फिर भी, रूठा है फिर भी मना के रहे, तुम्हें शाम Yeah.
बुला ले एक बार खटूंगा। कितनी बार गए खटू? हजारों बार तो गए हो। क्या दर्शन कर लिया आप? I'm not afraid.
सतावे और पापो बुलाया दौड़ो आवे पाप
बाप बुलाया दौड़ो आवे, यो जीव नहीं जा पावे, जीव नहीं जा पावे। सारी रात मैं सोना पायो, मन में ख्याल सतावे। सारी रात मैं सोना पायो, मन में ख्याल सतावे। बाप बुलाया दौड़ो आवे, बाप बुलाया दौड़ो आवे, जीव नहीं जा पावे, जीव नहीं जा पावे। पालम जी समझ में आया? ऊपर से चला गया, नहीं आया ना? क्या आया? नहीं, बाप बुलाया दौड़ो आवे और जीव नहीं जा पावे। हम रात को 3 बजे बाबा को बुलाते हैं, बाबा आ जा, बाबा 3 बजे रात को दौड़ कर आओ। लेकिन हमारा मन कहता है ना जा, तो विवेक बाबू का कल्ला बोलता है पत्रा जी की दुकान में, ऑफिस में बोलता है कि ग्राहक आए हुए हैं, सब राजी तो दौड़ जाते हैं। तो थोड़ा दिन में खाटू का ही बन पड़ा है। बाबू बुलाया दौड़ो आवे, बाबू बुलाया दौड़ो आवे, जीव नहीं जा पावे, जीव नहीं जा पावे। कितना भरोसा करते हो बाबा पे भाई, कितना करते हो? जिस दिन मन में आए ताला मारो, गाड़ी उठाओ, चले जाओ, जो होगा देखा जाए। तुम शाम के जाओगे, शाम काम बिगाड़ दे, फिर तुम कोई शाम को पूछेगा नहीं भाई। हो गया ये कितना नया आलू है, सुनो, बचपना हो गया तो नहीं। छोटी छोटी बात कहे आवाज बंद कर कान लगावे, छोटी छोटी बात कहे कान लगावे। लेकिन ये 50,000 किलोमीटर भी दूर रहता है ना, 7 समंदर पार भी। बंद कर दो, बंद कर दो। Yeah.